जैसे भूषण अंसारी आपने मुझे कहा था कि तू लंबी रेस का घोड़ा है, सो डोंट एवर टेक शॉर्टकट्स एंड डू नॉट टेक हेस्टी डिसीजंस. सो इफ योर फोकस इज नॉट ऑन योर वर्क एंड द चॉइस ऑफ कैरेक्टर्स एंड वेयर यू आर अलाइनिंग योर सेल्फ, देन यू आर लुकिंग एवरीवेयर एल्स. ना देन यू आर लुकिंग एट द पीपल, यू आर अमेज्ड बाय योर हीरोइंस परहैप्स. अब अल्हम्दुलिल्लाह आई वर्क विद द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमेन इन दिस कंट्री, some of them single as well. But आपका किबला सीधा होना चाहिए, वरना जो हाथ में चीज है, जिसकी वजह से फेम है, जिसकी वजह से पहचान है, वो सब मेरे ख्याल से तो चला जाएगा. सो आई थिंक आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट के एक बहुत प्यार करने वाली, साथ खड़े रहने वाली बीवी मिली. 10 साल की हमारी माशाल्लाह शादी हो चुकी है. आसान की शादी थी, सेल्फ अरेंज्ड थी, बस मैंने देखा एक दफा. अरेंज मैरिज वाले लगते तो नहीं हो मुझे. मैं खुद भी नहीं लगता था अपने आप को. बट व्हेन आई सेटल डाउन आई वाज 27 इयर्स ओल्ड. आई वाज वर्किंग फॉर अ वेरी बिग कंपनी. आई वाज अर्निंग वेल एंड आई थॉट कि बस बहुत हो गए रिलेशनशिप्स और अफेयर्स. बिकॉज इफ यू आर इन द सर्च फॉर अ परफेक्ट पार्टनर, इट डज नॉट एग्जिस्ट. तो जिनसे अफेयर्स थे उनसे शादी क्यों नहीं की? एक दो को मैंने किया था. आई वाज वेरी सीरियस जब मेरी वो प्रोफाइल बन गई थी कि जहां मैं सपोर्ट कर सकता था. बट बस वो नहीं होना था, किस्मत में नहीं था. दिल टूटा? हाँ, एक दो बार टूटा था. ओके, एक दो बार टूटा था. बट नो रिग्रेट्स? नो, नॉट एट ऑल. आई वुड हैव रिग्रेटेड नॉट मैरिंग द वुमन आई एम मैरिड टू नाउ, बिकॉज यू नो एवरीबडी कैन मैरी यू नो सीमिंगली परफेक्ट parcel or package, especially women as well. और वो वाकई आपके लिए perfect हों, ये कभी-कभी होता है. आप सिर्फ you can go through tests and trials और इम्तिहानात, और उसके बाद ही आपको पता लगता है कि भाई इंसान कहाँ खड़ा है और क्या नहीं. बाकी सारी मसनूई चीजें तो बिखर के रह जाती है ना. इस जर्नी में पार्टी भी की बहुत. मैंने आपके मुंह से ये सुना आपने ड्रग भी की. Yes. ये डार्क पीरियड था या एक्सपेरिमेंटल पीरियड था? I've used hash a lot all my life. Now, alhamdulillah, I've quit. And again, I talked about it on my own show. I want to talk about it. That was so brave of you. I was so impressed how honest you were. Yeah, मुझे लगता है कि अब कोई नहीं हो सकता. You're exceptional. If it इनफ नहीं हो गया ड्रामा? इनफ हो गया. जमाना बिल्कुल बदल चुका है. और देखा, हकीकत से वही वाली बात है, कबूतर आंखें बंद कर ले तो बिल्ली भागती नहीं है. सो या तो हमारा ऐसा मुल्क होता ना जिसमें एक्सेप्शन होती कि कुछ लोग स्मोक अप करते हैं, हैश यूज करते हैं. अगर एक्सेप्शन होता तो फिर तो मैं बहुत ही कोई अजीब बात कर रहा होता. We have the highest rate. Oh, Karachi. Yes. Karachi is the second highest city in the world in when it comes to marijuana consumption, drugs consumption, hash consumption. So, we should talk about it. Yes. Hamare youth, mere do bete hain, wo abhi 10 saal mein teenagers ho jayenge. Wo karenge use. बिकॉज उनके आस पास के स्टूडेंट्स और बाकी जितने जहां जहां वो जाएंगे, स्कूल कॉलेजेस में आपके आम है. आजकल ड्रग डीलिंग हो रही है स्कूल्स में. इस्लामाबाद में क्रिस्टल मेथ इज बीइंग सोल्ड इन स्कूल कैंपसेस एंड कॉलेज कैंपसेस. एंड क्रिस्टल मेथ, अल्लाह माफ करे, इज डेथ. उसका जो यूजर है वो 2-3 साल में मर जाता है वो. सो कब बात करेंगे और उसकी क्यों बात नहीं कर रहे? और आप सवाब और गुनाह के तराजू में उसको तोलते रहेंगे? तोलते रहें, आपकी सोसाइटी में है, आपके माशरे में है. आंखें बंद करके नहीं बैठ सकते. इट्स आवर रिस्पांसिबिलिटी एंड यू बीइंग सो इन्फ्लुएंशियल कमिंग फ्रॉम यू, इट विल मेक सो मच चेंज. यस, एंड आई वांट टू टॉक अबाउट इट. और मैंने अपने चैनल पे तो पूरी एक वीडियो बनाई है. मैंने देखी है अभी. वो नहीं, वो अभी नहीं आई. अच्छा, वो नहीं देखी. एक्सक्लूसिवली मैंने ड्रग्स पे वो बात की है. क्योंकि एक सबसे बड़ी उसकी डिबेट ये है, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट हैश एंड मैरिजुआना, कि उससे तो कुछ होता ही नहीं. कुछ नहीं होता. आप यंगस्टर्स को देखेंगे जिनका इस्लाम के बारे में नॉलेज बहुत महदूद होगा, वो ये भी आर्ग्यूमेंट लेके आएंगे कि ये हराम तो नहीं है. बिल्कुल, ये तो लिखा ही नहीं हुआ इसके बारे में. शराब के बारे में जिक्र है, इसके बारे में नहीं है. तो ये वाली आर्ग्यूमेंट्स चल रही है माशरे में. फिर दूसरी आर्ग्यूमेंट्स चल रही है कि इट हैज नो साइड इफेक्ट्स. बिल्कुल, ये भी है. पूरी दुनिया में अब तो लोग इससे इलाज कर रहे हैं. कैंसर ट्रीट होता है इससे. सो मैं अपना 10-15 साल का एक्सपीरियंस है उस चीज़ के साथ, उसके बारे में
सबके सामने ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर इसका कोई नुकसान नहीं है ना, तो इसका कतन कोई फायदा भी नहीं। इसको छोड़ के जिंदगी में क्या चेंज फील किया? अल्लाह अकबर, ऐसे ऐसे चेंजेस इफ़त। मैं आपको एक एक लाइन में उसको अगर समराइज करने की कोशिश करूं, व्हेन यू आर हाई इट बिकम्स डैम इजी टू नॉट गिव अ डैम अबाउट एनीथिंग। ये वो यूज है, ये वो फायदा है जिसके लिए हर बंदा करता है कि इट्स वेरी इजी टू नॉट गिव अ डैम। अब ये सुनने में तो बहुत पॉजिटिव लग रहा है, बट अगर आपको थोड़ा सा इसको एक और पर्सपेक्टिव से देखें, व्हाट यू रियली आर डूइंग इज यू आर नॉट गिविंग अ डैम अबाउट लाइफ। व्हेन यू आर हाई यू आर नॉट गिविंग अ डैम अबाउट योर रिलेशनशिप्स। सामने आपकी स्पाउस बैठी है, आपकी जो भी पार्टनर बैठा है या माँ बाप बैठे हैं, आप स्टोन दो, बड़े चलाक को आपने क्यूरिन डाल लिया, आंखें साफ है आपकी, बहुत चलाक, बट यू आर नॉट देयर। लोग करते ही इसलिए कि मैं अलूफ हूं, डिटैच्ड हूं, मुझे बॉदर नहीं कर रही ये चीजें। अरे भाई, जिस इंसान ने अपने गुस्से को उस पर काम नहीं किया, जिसने अपने गम पे काम नहीं किया, जिसने अपनी खुशी को खुशी के एक्सटेंट में नहीं देखा, तो आपकी ग्रोथ, मेंटल, स्पिरिचुअल, फिजिकल ग्रोथ आपकी, अगर आप 10 साल से पी रहे हैं ना, तो यकीन माने आप उन 10 साल में शायद 1 या 2 साल बड़े हुए हैं, उसके अलावा आप बड़े नहीं हुए। यू आर डिटैच्ड, यू आर नम, यू आर अनइंटरेस्टेड इन लाइफ, इन रिलेशनशिप्स। एस्केप है ना, हर वक्त का एस्केप है। आज बॉस से लड़ाई हुई, काम में बहुत ज्यादा प्रेशर आया, एक जॉइंट लगाया, सब भुला दिया। भाई वो इंसान ही क्या है जिसने अपने सारे एक्सपीरियंसेस भुला दिए, जिसने अपना अच्छे एक्सपीरियंसेस भी भुला दिए बिकॉज आई वॉज हाई, जिसने अपने गुस्से को कंट्रोल करना नहीं सीखा, उसके अंदर घुसा नहीं और उसको अवॉइड कर लिया बिकॉज यू गॉट हाई, तो देन यू हैव नॉट ग्रोन एज अ पर्सन। आपको जब जब कॉन्फ्लिक्ट का एक मोमेंट आएगा, तो बजाय इसके कि आप गुस्से को कंट्रोल करें या एनालाइज करें कि मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है, आप क्या करेंगे, आप साइड पे हो जाएंगे और आप जाके एक और जॉइंट लगा लेंगे, अपना सोल्यूशन निकाल लेंगे। फिर आपकी बीवी या आपका माँ बाप आप पे रोते बरसते रह जाएंगे कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। तो वाकई फर्क नहीं पड़ रहा ना, बिकॉज आपने एक दिल और दिमाग में एक शील्ड, एक धुआं घूम रहा है, एक फॉग घूम रही है, जिसकी वजह से नम है आप ना। आप अपने दीन को एक्सप्लोर कर रहे हो ना, आप अपने अल्लाह के साथ कनेक्शन को समझ पा रहे हो ना, आप अपने अंदर के इंसान को बढ़ने दे रहे हो, ग्रो करने दे रहे हो। सो जिस तरह मैंने पहली बात की, आई वॉन्ट ऑल ऑफ द यूथ स्पेशली लिसन टू दिस, यू स्मोक अप टू नॉट गिव अ डैम, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग। यू आर नॉट गिविंग अ डैम एंड द टाइम विल कम व्हेन नोबडी विल गिव अ डैम अबाउट यू, बिकॉज इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। छोड़ी कैसे थी? छोड़ी कोल्ड टर्की। एक दिन सोच लिया? एब्सोल्युटली कोल्ड टर्की। एक दिन मैंने ये सोचा कि मुझे अल्लाह ताला ने वो दे दिया जिसका मुझे ख्वाब था, मेरा प्रोफेशन दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि मैं बहुत सिंसियर था अपने काम के साथ। मैं अपने हिसाब से यही सोचता, नमाजी परहेजी तो उस वक्त भी नहीं था, तो क्यों बख्शी मुझे ड्रीम लाइफ मेरी, एक्टर क्यों बना दिया? शायद इसलिए क्योंकि मैं बहुत सिंसियर था। जब मैंने नौकरियां की उनमें भी सिंसियरिटी से किया, जब मैंने थिएटर किया वो भी सिंसियरिटी से। चलो ठीक है, वो दे दिया, बीवी दे दी अच्छी, साथ खड़ी रहने वाली, इम्तिहानों में से गुजरने वाली, दो प्यारे प्यारे बेटे दे दिए, माशाल्लाह। अब मैं किस चीज से भाग रहा हूं? अब मैं वो कौन सा सुकून तलाश कर रहा हूं जब मेरी जाहिरी जिंदगी में अल्लाह ताला ने सब वो दे दिया है? एंड देन आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन द फैक्ट कि अल्लाह ताला कुछ लोगों से ले के आजमाता है, कुछ को दे के आजमाता है। सो अब अगर मैं अपनी इस प्यारी सी जिंदगी, अपने बच्चों के खेलने, अब देखो वही वाली आदत है, हैश ब्रेन था तो बच्चे भी थोड़ा ज्यादा शोर मचाते थे ना, तो मेरे अंदर से एक वो टेम्परमेंटल सा जानवर निकलता था और कहता था कीप क्वाइट, यू आर गिविंग मी अ हेडेक। उन पे भी चीख लिया, अंदर जाके रोल किया और अपने आप को सुकून दे दिया, सिर्फ अपने आप को सुकून दे दिया और हर जगह बेसकूनी फैला। आपको मीन भी बना देती है ड्रग। व्हेन यू आर कंटिन्यूअसली यूजिंग दिस, तो आपको वो 2 घंटे के लिए तो बड़ा चिल बना देगी, उसके अलावा जो 22 घंटे हैं दिन में, यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर द नेक्स्ट सेशन, फॉर द नेक्स्ट सेशन यू आर वेटिंग फॉर इट कि यार मैं करूं थोड़ा सुकून आए। तो जब जिंदगी में इतने सुकून दे दिया अल्लाह ताला ने, तो मैंने सोचा कि मैं कौन सा बदनसीब इंसान हूं, मैं कौन सी बेसकूनी है मेरे पास
अब तो मैं सिर्फ नाशुक्रा हो रहा हूँ इफ आई एम एस्केपिंग फ्रॉम दिस लाइफ, फ्रॉम बीइंग एन एक्टर हु इज बीइंग अप्रिशिएटेड, पैसे अच्छे हैं, सब कुछ, अब तो नाशुक्री थी, नाशुक्री है ये, बिल्कुल नाशुक्री, अब ये नाशुक्री है और अब मुझे अपने अंदर कोई चेंजेस लाने पड़ेंगे, क्योंकि मैं घर का सरबरा हूँ, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, उन्होंने वैल्यूज मुझसे लेनी है, वो देखते हैं कि बाप घर आता है तो चिल में पड़ा होता है एक सोफे पे, नो कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू, हालांकि आई एम अल्हम्दुलिल्लाह वेरी इन्वॉल्व्ड फादर, बट एक जितना मैं प्यार कर सकता हूँ वो मुझे पता है, जितना मैं हंसा सकता हूँ उनको मुझे पता है, और हर वो लिमिट को मैं और कम कर रहा था व्हेनेवर आई वाज इन माय जोन, बिकॉज आई से इज यू सिटिंग लाइक दिस एंड यू जस्ट नॉडिंग एंड अनअफेक्टेड, सो आई थॉट कि यार अब जो है ना मुझे अल्लाह ताला ने इतना सब कुछ प्लेट में रख के दिया और अब मुझसे लिटरली वो कह रहा है कि बेटा नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, अल्लाह ताला तौफीक देता है और जिंदगी नेमत है,